everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss different uses of this baby right here. So it is a tea tree oil, so I'm going to discuss different uses of it. So without wasting any further time, let's get straight into the video. So let's start with the usage of tea tree oil. So firstly, jiske liye main bahut zyada use karti hu tea tree oil ko, is for acne and pimples. So agar aapko kahin bhi pimples hai, acne hai, what you can do is ki apne cream mein ek ya do drop isko mila lo, aur jahan pe aapke pimples ya acne hai वहां पे लगाओ और 24 आवर के लिए छोड़ दो, या तो 12 घंटे के लिए छोड़ दो. ओवरनाइट भी अगर आप छोड़ दोगे ना, आप सुबह उठ के देखोगे इतना ज्यादा आपको फर्क मिलेगा, आप पूछो मत. दो या तीन दिन में तो ऐसा लगेगा कि आपको कभी वो पिंपल्स या एक्ने थे ही नहीं. ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक ऑन दैट. सो या अगर आप चाहो तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका. और अगर आप चाहो तो केवल उस पर्टिकुलर स्पॉट पे लगा सकते हो जहां पे आपको पिंपल्स या एक्ने हो. सो या आई लव दिस फॉर एक्ने एंड पिंपल्स ट्रीटमेंट. सो कमिंग टू द सेकेंड यूजेज, सो अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी ओडर या स्वेट की परेशानी होती है, व्हाट यू कैन डू इज जिस बकेट में आपने अपने नहाने का पानी डाला है उसी बकेट में आपको एक या दो ड्रॉप टी ट्री ऑयल के डालना है एंड दैट्स इट. आपको उस पानी से नहाना है बस, और कुछ नहीं करना. ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू स्मेल फ्रेश एयर, ट्रस्ट मी. सो या दैट वॉज द सेकेंड यूसेज. सो कमिंग टू द थर्ड यूज ऑफ टी ट्री ऑयल, आप टी ट्री ऑयल का यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल योर बैड ब्रेथ. आपको क्या करना है, ग्लास में पानी लेना है, उस पर डायल्यूट करना है टी ट्री ऑयल एक या दो ड्रॉप, उससे ज्यादा नहीं. और उसी आपको ग्लास से लाइक वो जो मिक्सचर आपका टी ट्री ऑयल और पानी का, उसको आपको यूज करना है एज अ माउथ वॉश, जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं, एंड जस्ट थ्रो इट ऑफ. और आपका जो मुंह है वो इतना फ्रेश स्मेल करेगा, जितनी बैड ब्रेथ है वो सारी गायब हो जाएगी. ट्रस्ट मी, बिकॉज बैड ब्रेथ इज अ टर्न ऑफ एंड नो वन वॉन्ट्स इट. सो या दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद दैट. सो कमिंग टू द फोर्थ यूज ऑफ टी ट्री ऑयल, सो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है लोगों के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है एंड टू रिमूव दिस डैंड्रफ इज अ टफ टास्क, लेट मी टेल यू. सो टी ट्री ऑयल इज गोना मेक योर लाइफ इजी फॉर दैट. सो क्या करना है आपको, आपको शैम्पू लेना है अपना जो आप नॉर्मली यूज करते हो अपने बाल वॉश करने के लिए, उसमें आपको टी ट्री ऑयल डालना है. या तो आप पूरी बॉटल में डाल दो 4-5 ड्रॉप, नहीं तो आप जितना यूज कर रहे हो उसमें आप एक ड्रॉप डाल दो और उसी से आप अपने बाल वॉश करो. सो दो या तीन वॉशेज में आपका जितना भी डैंड्रफ था लाइक स्कैल्प पे सब रिमूव हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. मैंने खुद यूज किया है डैंड्रफ के लिए एंड इट हैज वर्क लाइक मैजिक, ट्रस्ट मी. बट हाँ, ज्यादा क्वांटिटी यूज मत करना, दो ड्रॉप से तो ज्यादा बिल्कुल मत लेना, ठीक है. सो कमिंग टू द फिफ्थ यूज ऑफ टी ट्री ऑयल, सो अगर आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा इची फील करता है, आपको ऐसे इसको ऐसे खरोंचने का मन करता है, डोंट डू इट वैसे तो. सो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो ये जनरली स्वेट वगैरह की वजह से होता है. अगर आप लाइक जिम बहुत ज्यादा जाते हो, वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हो, योगा बहुत ज्यादा करते हो, उसकी वजह से स्वेट की प्रॉब्लम हो ही जाती है. तो आपका जो स्कैल्प है बहुत ज्यादा इची फील होता है, या अगर आप कहीं गए हो, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह लगी, तो उसकी वजह से भी आपका स्कैल्प बहुत इची फील होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज जो आपका नॉर्मल ऑयल है लाइक हेयर ऑयल, उसमें आप एक या दो ड्रॉप टी ट्री ऑयल के यूज करो, ठीक है, लाइक डाल दो उसमें और फिर उसको अपने स्कैल्प में यूज करो और ओवरनाइट के लिए छोड़ दो एंड देन वॉश इट ऑफ, ठीक है, जो आपका नॉर्मल शैम्पू है उससे. और अगले दिन देखोगे कि आपका जो स्कैल्प है वो एकदम सही है, बिल्कुल भी इची फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ऐसे खरोच मारने का मन नहीं करेगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा आपका स्कैल्प. सो या दैट वॉज द यूज. सो कमिंग टू द सिक्स्थ यूज, ये लड़कियों के लिए पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो वी गर्ल्स आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ आर डार्क आर्मपिट्स. सो व्हाट यू कैन डू इज कि टी ट्री ऑयल को आपको यूज करना है एक लेमन पे. सो हमेशा हम लेमन तो यूज करते हैं नॉर्मली लाइक ब्राइटन करने के लिए अपने आर्मपिट्स. सो आपको लेमन पे बस एक ड्रॉप डालना है टी ट्री ऑयल का एंड देन आपको रब करना है, ठीक है. आप चाहो तो तुरंत उसको धो भी सकते हो 5-10 मिनट के बाद, नहीं तो आप उसको ओवरनाइट भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. और ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, आप लेमन जो यूज करते हो ना उससे भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, ट्रस्ट मी. ब्राइटन भी करेगा और जितनी भी आपकी ओडर की स्मेल है लाइक स्वेट वगैरह की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कंट्रोल करता है. सो उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इट वर्क्स एज अ नेचुरल डिओड्रेंट. सो या डू ट्राई इट. सो कमिंग टू द सेवेंथ यूज ऑफ टी ट्री ऑयल, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनका जो पैर है वो बहुत ज्यादा स्वेट करता है और बहुत ज्यादा ओडर आती है उसमें से, विच इज प्रीटी नॉर्मल, बहुत लोगों का करता है ये. बट वॉट यू कैन डू इज टू कंट्रोल दैट इज कि आपको गर्म पानी लेना है एक टब में, ठीक है, उसमें आपको 2 टीस्पून सॉल्ट डालना है और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करना है और उसके बाद आपको डालना है टी ट्री ऑयल 1 या 2 ड्रॉप्स, उससे ज्यादा नहीं. और उसमें अपने पैरों को या हैंड्स को, अगर हैंड्स में दिक्कत आती है आपको, स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको ऐसे रख दो रिलैक्स करने के लिए 20 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए
एंड उसके बाद आप देखें आपके जो पैर है वो इतने फ्रेश स्मेल करेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर आप इसको लॉन्ग रन में यूज करोगे तो आपकी जितनी भी स्वेटिंग है, ओडर की प्रॉब्लम है, वो परमानेंटली इरेज होती रहेगी। सो आई वुड लाइक सजेस्ट यू कि आप इसको परमानेंटली ही यूज करो, एक या दो बार के लिए मत करो, परमानेंटली यूज करो तो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। सो कमिंग टू द 8 यूज ऑफ टी ट्री ऑयल, ये एक्चुअली फर्स्ट यूज होना चाहिए बिकॉज आई लव टी ट्री ऑयल बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजन। लाइक मेरे लिए ये एज अ मैजिक काम किया है सच में। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ एरिया, अभी भी है पहले से पर बहुत कम है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो वॉट आई डू इज आई मेक यूज ऑफ टी ट्री ऑयल एज अ ओवरनाइट क्रीम। सो मैं क्या करती हूँ, जो मैं क्रीम यूज करती हूँ, मैं जनरली निविया की क्रीम यूज करती हूँ। सो उसमें मैं एक या दो ड्रॉप डालूंगी टी ट्री ऑयल का, और फेस वॉश करने के बाद मैं टी ट्री ऑयल को अप्लाई करके फिर सो जाती हूँ, ठीक है। और एक महीने में आपका जितना भी पिगमेंटेशन है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वो ऐसे गायब हो जाएगा, आपकी स्किन इतनी ब्राइटन अप हो जाएगी, यू वोंट इवन बिलीव, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपकी स्किन कभी इससे ज्यादा क्लियर हो सकती है। लाइक आई लव दिस अबाउट टी ट्री ऑयल, इट हैज वर्क लाइक अ मैजिक ऑन माई स्किन। बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि ये मत सोचना कि अगर इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा स्किन, प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज लॉन्ग रन में ही आपकी स्किन को डैमेज कर देगा। तो बहुत कम ही लेना, एक या दो ड्रॉप, उससे ज्यादा नहीं लेना। हर किसी चीज को यूज करने का तरीका होता है, सो इस चीज को यूज करने का यही तरीका है, प्लीज डोंट ओवरडू इट। सो कमिंग टू द 9th यूज ऑफ टी ट्री ऑयल, 9th यूज जो है वो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है काफी सारे एरियाज में, एंड वी डोंट रियली वॉन्ट टू रिस्क आवर लाइफ, तो हमको ज्यादा ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपके घर पे हैंड सैनिटाइजर खत्म हो रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज एलोवेरा जेल में आप यूज कर लो टी ट्री ऑयल को, लाइक 4 से 5 ड्रॉप डालो, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी बनाने वाले हो आप तो। सो 4 से 5 ड्रॉप डालो एंड देन यूज इट एज अ जेल हैंड सैनिटाइजर, इट इज गोइंग टू वर्क एज द सेम जो आपके नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, हम वैसे ही काम करने वाला है। सो या सो कमिंग टू द 10th यूजेज, सो 10th यूज अभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ की एक्चुअली बची भी है। सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आप स्टीम लेते हो उसके लिए आप पानी बॉइल करते हो, सो उसमें आप एक ड्रॉप डालो टी ट्री ऑयल को, उससे ज्यादा मत डालना, इतना क्यों वेस्ट करना है। सो एक ड्रॉप डाला और उससे फिर आप स्टीम लो, क्या है वो आपके नोज को भी अच्छे से क्लियर आउट करेगा, जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके नर्व्स को बहुत रिलैक्स करेगा। उस जो टी ट्री ऑयल की जो स्मेल है ना, वो आपके नर्व्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है, इट एक्ट्स एज अ एसेंशियल ऑयल बेसिकली। सो ये आपको बहुत काम डाउन और रिलैक्स फील करेगा, विच इज प्रीटी गुड फॉर दिस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ की थोड़ी बची हुई है। सो या दैट वॉज द लास्ट यूसेज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो हेल्पफुल लगी, किस चीज का इंतजार करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई मेरे चैनल को, जो आप हमेशा भूल जाते हो, अब तो कर दो सब्सक्राइब, हर संडे वीडियोस आ रही है 6 बजे, और क्या चाहिए आपको, इतनी कंसिस्टेंसी है देखो। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संडे 6 PM, तब तक के लिए बाय।